हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश बसीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिस पे आपको मैं एक दिन पहले ही आपको स्टॉक्स प्रोवाइड कराता हूँ और वो स्टॉक्स अगले दिन जाके हमारे टारगेट या स्टॉप लॉस तक मीट करते हैं। और उसके पीछे मैं आपको चार्ट्स पे लेकर जाके उन 5 स्टॉक्स का रीजन बताता हूँ। मैंने आपको ये स्टॉक क्यों बाय करने के लिए या क्यों शॉर्ट करने के लिए आपको सलाह दी कि साइड बाय साइड आप लेवल्स तो जान भी लो पर साइड बाय साइड आपको नॉलेज भी मिले कि वो क्या पैटर्न्स बन रहे हैं और क्यों मैं आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक बाय या सेल की रिकमेंड दे रहा हूँ। तो उसी के साथ हम चलते हैं। तो इसी के साथ मैं आपके लिए वेडनेसडे यानी कि बुधवार के लिए यानी कि कल होने वाली मार्केट के लिए मैं आपके लिए 5 स्टॉक्स लेकर आ गया हूँ। और जो मैंने आपको ट्यूसडे के लिए जो आज मार्केट है जब जिस दिन मैं 19 अक्टूबर ट्यूसडे को वीडियो बना रहा हूँ इस पर मैंने आपको 5 स्टॉक्स बताए थे बाय करने के लिए एक दिन पहले ही। तो वो परफॉर्मेंस कैसी रही, वो 5 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही वो भी हम शेयर करेंगे और उसके साथ हम देखेंगे। खास बात और इस वीडियो में आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि गाइज जिस तरीके से आज हमने एक रैली देखी है मार्केट में, हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने 200-250 पॉइंट की मूवमेंट करी पर वो मूवमेंट कुछ नहीं थी। उसमें हमें कम से कम 500 से 600 पॉइंट रुपए की मूवमेंट देखनी चाहिए थी जो कि नहीं आई। और जो स्टॉक्स पे रैली आई थी वो बहुत स्टॉक्स पे रैली आई थी बहुत अच्छी तरीके से गाइस। उसी के साथ मैं आने अभी 19 नवंबर को एक वीडियो अपलोड करी है। आज के दिन ही 2 वीडियो अपलोड करी है, एक PNB के ऊपर और एक कैनरा बैंक के ऊपर। ये 2 पर्टिकुलरली वीडियो अपलोड करी है जिसपे एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है गाइज, विस्फोट होने वाला है PNB के अंदर। और उससे पहले ही, विस्फोट होने से पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है तो जाके ज़रूर देखिए। और जो टारगेट है वो बहुत ऊपर के है। और गाइज कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक का बम बन चुका है, विस्फोट भी होने वाला है तो जाके आप उसको बाय करिए क्योंकि ये दोनों बैंक अगर आप बाय करेंगे अभी तो गाइज आप बहुत बढ़िया रिटर्न में निकलेंगे। BNB में 20% का रिटर्न और कैनरा बैंक पर भी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो वीडियो आपको वो यहाँ पर, ये जैसी वीडियो खत्म होने वाली होगी उसके 10 सेकंड पहले पहले ही आपको वो वीडियो का यहाँ पर शो कर जाएगा। दोनों वीडियो आपको यहीं स्क्रीन में शो कर जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे भी उसका मैं लिंक डाल दूंगा तो जाके ज़रूर देखिएगा गाइस। और पूरी वीडियो को, इस वाली वीडियो को एंड तक देखिएगा कि आप उस वीडियो, दोनों वीडियो को भी ध्यान से देख सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उस वीडियो को तो लाइक ज़रूर करिएगा गाइज। ये वीडियो भी जो मैं बनाने वाला हूँ इस वीडियो में भी अगर आपको खास लगती है जो मैं स्टॉक्स आपको दे रहा हूँ तो आप इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। और गाइस अपकमिंग मेरी निफ्टी, बैंक निफ्टी की भी वीडियो अभी आने वाली है आज ही की तारीख को। सो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन आपके स्क्रीन पे विजिबल होंगे गाइस, आपको नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा या फिर आपको यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और साइड में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि जैसी मेरी वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब एक नोटिफिकेशन भेज देगा, एक मैसेज भेज देगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है और आप जाके देखिए उसे। सो गाइस सबसे पहले हम परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 5 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड करे थे बाय करने के लिए जिसमें भारती एयरटेल था, 409 रुपये में बाय करने की सलाह दी थी, 421 का टारगेट था जो कि अचीव हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा अचीव हो गया, उज्जीवन अचीव हो गया, वेदांता अचीव नहीं हुआ पर हमारा वेदांता का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ पर जो हमने बाय प्राइस दिया था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसलिए मैंने बोल दिया नॉट अचीव्ड। टाटा स्टील का टारगेट भी अचीव हो गया था। SBI लाइफ, सबसे पहले हम 5 स्टॉक्स के आप जो टारगेट और जो स्टॉप लॉस इसमें है वो आप अपने कॉपी या वर्ड पे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे मैंने पहले से ही पैटर्न्स बना रखे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको वो क्लियरली समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी आप 5 स्टॉक्स के टारगेट और स्टॉप लॉस नोट करिए। सबसे पहला स्टॉक है SBI लाइफ, बाय करने की सलाह 928 की क्लोजिंग है, सॉरी 936 की क्लोजिंग है। जो स्टॉप लॉस और CMP है वो थोड़े उल्टे हो गए हैं, तो 936 की इसकी क्लोजिंग है, 928 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 942-951 का आप इस पर टारगेट मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। PNB 64 की क्लोजिंग है, 61 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 66-68 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। हाँ गाइज देखिए PNB आपको इंट्राडे पे कल के लिए भी दे रखा हूँ, मैं कल के लिए भी आपको दे रहा हूँ तो बाय करते हुए चलिए। SBI बाय करनी है, 330 का टारगेट CMP है, 330 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, 324 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है क्लोजिंग बेसिस के अंदर, 334-341 का
आप इस पर टारगेट लेकर चल सकते हैं। यूनियन बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी 59.80 की इसकी क्लोजिंग है, तो 60 रुपये के ऊपर होल्ड करता है यूनियन बैंक तो ही बाय करना है। 61.5-63 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं यूनियन बैंक के अंदर। 58 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। इंडिया सीमेंट, गाइस ये 5 स्टॉक जो आपको दिए गए हैं उसमें से जो शुरू के 4 स्टॉक्स हैं वो तो बहुत अच्छे से आपको दे रखे हैं। जो ये इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक 79.6 की क्लोजिंग है, 79 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 79 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ देता है कल इंटर डे पर और उसके नीचे सस्टेन करता है तो बहुत लोअर लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, पर अगर ये 79 के ऊपर सस्टेन करता है तो 83 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। तो कल इसको आप पहले वॉच करिए तो ही बाय के लिए बनाइएगा, क्योंकि ये बाय और शॉर्ट कल दोनों के लिए बन सकता है। तो इसी के साथ आप लोगों को मैंने ये 5 स्टॉक्स रिकमेंड कर दिए। गाइज एक बात और नोट करिए, गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल शो कर रहा है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रेड डीलर्स। आप अगर अपना टेलीग्राम ऐप पे जाते हैं और ऊपर सर्च करते हैं ट्रेड डीलर्स तो आपको मेरा वहाँ पर शो कर जाएगा और कम से कम 590-600 सब्सक्राइबर होंगे, आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन हुई है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं सुबह सुबह ही निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ, पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स भी रिकमेंड करता हूँ। हाँ गाइस, आज मैंने आपको SBI लाइफ भी रिकमेंड करा था, मैंने आपको आज दोबारा दे रखा है, पर आपको मार्केट पर भी बाय की रिकमेंड दी थी और उसके टारगेट्स भी हिट हुए थे। सो गाइस टेलीग्राम पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मेरा सपोर्ट मिल जाता होगा लाइव मार्केट पर, तो जाके उसे फॉलो ज़रूर करिएगा। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स में देखते हैं कि किस तरीके से क्या पैटर्न बने हैं। तो गाइस सबसे पहले आपके लिए मैं लेकर आया हूँ PNB। PNB पे आप जैसा देख रहे हैं एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बना नहीं है, एक लेफ्ट शोल्डर बन चुका है ऑलरेडी, एक राइट हेड बन चुका है, एक राइट शोल्डर बन चुका है। इसकी पर्टिकुलरली एक एक्सप्लेन्ड वीडियो मैंने बना रखी है, आपको ऐसा भी कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। तो इस लेवल से आपको बाय की सलाह देना है। 64 हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है 68 का है, जो मैंने आपको अपने अभी जब आपको टारगेट्स नोट करवा रहा था तब मैंने आपको बता दिया था कि 68 का एक टारगेट है। ये पूरी जानकारी आपको जाननी है कि सेकंड टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करना है, जो लॉन्ग टर्म के 2 हफ्ते के लिए, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए अगर आप इसको बाय करते हुए चलेंगे क्या टारगेट है क्या स्टॉप लॉस है, एक्सप्लेन्ड वीडियो मैंने बना रखी है, उसको जाके वॉच करिएगा। या फिर ये जो आई आपको दिख रहा है यहाँ आई पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ये वीडियो खत्म होने के बाद आई पे क्लिक करके भी आप मेरी वीडियो को जाके देख सकते हैं, पर्टिकुलरली PNB के ऊपर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं SBI लाइफ पे और SBI लाइफ पे ऐसा क्या बन रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक SBI लाइफ पे एक बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न बन रहा है। तो ये बुलिश बटरफ्लाई देखिए, आज मार्केट जो SBI की कल क्लोजिंग हुई थी वो 1000 रुपये पे हुई थी और आज कितने पे ट्रेड कर रहा है, 936 पे। हाँ गाइस, कोई पर्टिकुलरली एक म्यूचुअल फंड है को वहाँ पर उन्होंने 3.5% की कुछ हिस्सेदारी उस पर बेची है अपनी, तो हमने देखा कि एक गिरावट आई थी। तो गिरावट आने के बाद मैंने देखे एग्जैक्ट लेवल्स, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे तो आप देखिएगा वहाँ पर मेरी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो आज मैंने आपको SBI लाइफ बाय करवाया था, कितने पे बाय करवाया था वो भी लिखा होगा, 935 पे। तो आप देख सकते हैं जो ये लो बना हुआ है 935 है, 935 पे आपको बाय की सलाह दी थी मैंने और आपको बोला था कि पहला टारगेट हमारा 950 होगा, यानी कि 15 रुपये ऊपर, जो कि 0.236 का है और आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वहीं पर ही गया, 953 का है हमारा। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस और जो पैटर्न्स होते हैं कितने एक्यूरेट और कितने परफेक्टली होते हैं। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और अब मुझे लगता है कि दोबारा ये 950 के लेवल तक जा सकता है। जैसे ही 950 के लेवल को ब्रेक करेगा पहला टारगेट उसका बनेगा 965 और नेक्स्ट टारगेट होगा 980 का। तो ये एक पोजिशनली भी आप होल्ड करके चल सकते हैं और ये तो मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे पहले से ही है, ये मैंने लॉन्ग टर्म से होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये अभी भी मेरे पोर्टफोलियो पे अभी भी है और मैं इस पर ज़रूर इसी लेवल पे, जो लेवल मैंने आपको 935 बताया था, मैंने 940 के अराउंड इस पर और भी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो पर बाय करके रखे हैं आज ही के दिन। सो गाइज अभी भी इसे आप होल्ड करके चल सकते हैं। अब हम आते हैं यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक पर ऐसा क्या बन रहा है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो यूनियन बैंक पे आप देख सकते हैं एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। यूनियन बैंक की आपको मैंने क्लोजिंग बताई है 59 समथिंग पे और 60 रुपये के ऊपर ही आपको बाय करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहे होंगे कुछ बॉक्स, ये बॉक्स ग्रीन है और रेड है, तो जो बीच में आपको लाइन दिख रही है ग्रीन और रेड की,
तो वो लाइन पे आपको बाय करना है जो कि 60 का लेवल है, 60 के ऊपर होल्ड करता है, बाय करिए। जो आपके टारगेट हैं वो आपका ग्रीन बॉक्स है जो कि 63 या 64 तक लेकर जा रहा है, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका इतना सही है। तो अगर आप देखेंगे बॉक्स पे तो आपको दिख रहा होगा टारगेट ₹3 से ₹4 है, जो कि आपको 7% का टारगेट मिल रहा है। स्टॉप लॉस आपको ₹2 का रखना है जो कि 3.5% का स्टॉप लॉस है, और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आप देख सकते हैं 2% का, ₹2 का रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है 2% का। सो यानी कि अगर ₹1 का ₹2 का आपको कोई स्टॉक बाय करवाया जा रहा है तो वो वहां से ₹4 होने की उसकी कैपेसिटी है। तो बुलिश अपन कपन एंडल पैटर्न बनाया, तो इसको भी आप यूनियन बैंक को बाय करते हुए चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इस पर्टिकुलरली इंडियन सीमेंट के बारे में। तो इंडियन सीमेंट पे कुछ खास पैटर्न नहीं बना है, पर इंडियन सीमेंट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी मैं आपको बता रहा था इस पे अभी आप बाय और सेल की पोजीशन कल ना बनाइएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता था, नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, और उसके लिए फिर ये सपोर्ट की लाइन बन गई। 1, 2, 3, 4 बार सपोर्ट लिया यहाँ पर, 5 बार सपोर्ट लिया, और आज फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है कल, यानी कि 9 बार सपोर्ट ले चुका है। और हम देख चुके हैं कि फिर हम देखते हैं ऊपर की तरफ ये बढ़ना शुरू कर देता है। तो ये जो सपोर्ट लाइन है ये 79 की आती है, जो कि 79.70 की इसकी क्लोजिंग है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये 79 पे आता है कल, 70 रुपये 70 पैसे नीचे गिरता है और अगर फिर रिवर्स करता है तो एक बार बाय पोजीशन बना सकते हैं, और जो मैंने आपको टारगेट्स नोट करवाए हैं वहाँ तक ये कल या परसों तक जा सकता है। पर जैसे ही ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो हम और लोअर लेवल्स भी एक्सपेक्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप फॉलो करते हुए चल सकते हैं। लास्ट आता है SBI, और SBI पे ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये पैटर्न मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। ये पैटर्न है साइफर पैटर्न, ये बियरिश साइफर पैटर्न है, पर मैंने आपको बाय की सलाह दी गई होगी। बियरिश साइफर पैटर्न क्यों है और बाय की सलाह मैंने आपको क्यों दिया वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये जो पैटर्न है ये पैटर्न कंप्लीट कब होगा, ये पैटर्न कंप्लीट होगा जब ये अपने 786% रिट्रेसमेंट लेवल तक आ जाएगा, जो कि ये डी पॉइंट है। ये देख रहे हैं ये डी पॉइंट तक, जब तक ये स्टॉक नहीं आता तब तक ये पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पैटर्न को कंप्लीट होने के लिए हमने SBI को बाय रिकमेंड कर रखी है। आप देख सकते हैं, अगर आप मैंने अपने क्लाइंट्स को भी गाइस ₹320 से रिकमेंड करा हुआ है, 320-315 से, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये भी मैंने आपको बाय की रिकमेंड दी थी, और जब इसने एक 320 से डिप लगाई थी ₹300 की तो भी मैंने आपको बाय की सलाह दी थी बाय करने के लिए। गाइस आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर होगा, ये देखिए 320 का लेवल था, ये देखिए ₹300 की मूवमेंट आई थी, तो भी मैंने बाय की सलाह आप लोगों को दे रखी थी कि बाय करिए, और आप देख सकते हैं 300 से 330 पहुंच चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक, अभी भी हमारे बाय लिस्ट पे है। और अगर मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि गोल्डन रेशियो होता है, उस रेशियो पे एक बार हर्डल लिया और हमने देखा एक तेजी से गिरावट आई, फिर ऊपर गया और हमने देखा एक ब्रेकआउट दे दिया, एक दिन सस्टेन करा, दूसरे दिन सस्टेन करा, अब हमारे लिए एक बाय बनता है। और मैंने आपको कितनी बार कहा है गाइस कि एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है, और जो ब्रेकआउट देता है पर्टिकुलर कैंडल, जो अगली कैंडल होती है जैसी उसके ऊपर निकलती है और क्लोज देती है, हम बाय की पोजीशन बना लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक बाय है फॉर अ टारगेट ऑफ 4345, एक अल्टीमेट टारगेट है, पर जो मैंने आपको इंट्राडे टारगेट्स ही दे रखे हैं अपने चार्ट उसके अंदर, तो जो आपने नोट करे हुए हैं। तो ये 5 स्टॉक्स मैंने आपको बहुत क्लियरली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिए। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, कल सुबह ही फिर से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस डाल दूंगा, मीट कर लीजिए। और गाइस ये देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा PNB की वीडियो और एक कैनरा बैंक की वीडियो, दोनों पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और दोनों को साइड बाय साइड एक बार वीडियो जाके चेक करिए। और निफ्टी बैंक निफ्टी की भी वीडियो अपलोड होने वाली है तो जाके उसको भी वॉच करिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो जो आपको अच्छे से सिखाया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन से ऐसे स्टॉक्स की आप वीडियो चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ।